हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मेरे चेयर पे देखो कौन बैठा हुआ है। तो आज हम देखेंगे यामाहा का एक नया मॉडल जिसका प्राइस बहुत ही कम है, मेड इन इंडिया है और हमारे इंडिया का फेवरेट गिटार यामाहा F310 का बिल्कुल सिमिलर है। तो इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, साउंड टेस्ट करूंगा और यामाहा F310 के साथ कंपैरिजन करूंगा जो मुझे फील हुआ है। और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि ये गिटार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अच्छा है या जो भी है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इस गिटार को ऑनलाइन बाय कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। लेकिन मैंने इस गिटार को लखनऊ में यामाहा का एक ऑथराइज म्यूजिक स्टोर है वहाँ से खरीदा है, बिल्कुल चेक वेक करके। तो अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास रहते हो तो आप वहीं से खरीदना चेक वेक करके। सारी डिटेल्स और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चेकआउट कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा गिटार का बॉक्स आ गया और ये इस पे लिखा हुआ है यामाहा गिटार और नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ है F280NT। तो चलिए अब इस गिटार को बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कैसा गिटार है। तो इसके अंदर एक और पैकिंग है जो हर गिटार के साथ रहती है, तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। और ये इसमें एक मैनुअल रखी है जो कि मैं कभी नहीं पढ़ता। और उसके बाद फिर इसमें एक जो है चीज़ छुपी हुई रखी है, इसको आप ज़रूर देखना। ये यहाँ पर ये है एलन की और ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हमारा गिटार का नेक हल्का फुल्का बेंड हो जाता है तो इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस बॉक्स में। अब चलिए हम लोग अपना गिटार खोल के देखते हैं कि वो कैसा है। और ये हमारा गिटार आ चुका है और इसको खोलते हैं हम लोग। तो बिल्कुल यामाहा F310 की जैसा ही लग रहा है, देखिए आप। अब इसके स्ट्रिंग का हम लोग ये जो कवर लगा हुआ है इसको खोलते हैं। तो ये हमारा गिटार बाहर आ गया है और ये देखिए अंदर स्टिकर लगा हुआ है यामाहा F280। देखा आपने अनबॉक्सिंग और अभी मेरे हाथ में है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं यामाहा F310 लेके बैठा हूँ। अगर किसी को ऐसे दे दो कि लो भाई यामाहा F310 नए स्टाइल में आया है, तो वो शायद एक बार मान लेगा कि यामाहा F310 ही है। तो चलो अब इस गिटार पे कुछ प्ले करके देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है। तो चलिए अब इन दोनों गिटार का कंपैरिजन देखते हैं कि ये और यामाहा F310 में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्राइस। तो ये गिटार लगभग 6,500 के आसपास का है और यामाहा F310 जो है वो 9,000-9,500 के आसपास है। और मैंने सुना है कि वो 1,000 उसका प्राइस बढ़ गया है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ऐसा सुना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका बैक और ये साइड ये जो है मैट फिनिश है और यामाहा F310 में ग्लॉस फिनिश था। तीसरा पॉइंट ये है कि ये काफ़ी हल्का है और यामाहा F310 जो था वो थोड़ा सा इससे भारी था, मुझे ऐसा फील हुआ। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी टोन और यामाहा F310 की टोन में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो यामाहा F310 में थोड़ा बेस ज़्यादा था लेकिन ये जो है थोड़ा सा उससे ब्राइट है। और जब मैंने इसको पहली बार अपने हाथ में लिया था और स्ट्रम करा था, मुझे इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बॉक्सिनेस फील हुआ था, ठीक है। और वो जो मैंने बॉक्सिनेस वाली बात मैंने कही उससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक यामाहा F310 यूज़ करा है तो मेरे कानों में उसकी टोन बिल्कुल बस गई है। इसलिए मैंने जब इसको पहली बार स्ट्रम करा था तो वो मुझे तुरंत जो है डिफरेंस पता लगा था। लेकिन मैं इसको जितना ज़्यादा यूज़ करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे कान जो है इसके टोन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो यामाहा F310 ही है।
तो अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या इस गिटार को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो मेरी साइड से बिल्कुल खरीदना चाहिए, ऑसम गिटार है, बिल्कुल बिंदास खरीदिए आप। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप प्राइस को भी दिमाग में रख लेना, क्योंकि यार उसमें और इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। और ये मेरा अभी नया नया गिटार है तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे इसकी साउंड में और खूबसूरती आएगी और निखर के ये साउंड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।